चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और अगली कुछ ही देर में हम अपने चैप्टर को उड़ा डालेंगे, ठीक है। देखो, अगर हमसे कोई पूछ ले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन बताओ, तो हम इजीली बोल देंगे अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन कर सकता है तो वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, फिट है। बट ऐसा नहीं है। WHO ने क्या बोला है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब खाली रिप्रोडक्शन नहीं है, वो इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए, वो इमोशनल तरीके से भी फिट होना चाहिए, वो बिहेवियर के तरीके से भी फिट होना चाहिए, और वो सोशली भी फिट होना चाहिए। तो ये टोटल मिला के बनती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बोला किसने है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इनिशिएट हुआ था, NCERT में लिखा हुआ है 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951 NCERT में है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इस चैप्टर में कुछ फुल फॉर्म दी हुई है, ये अपने को याद रखनी पड़ेंगी। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पे है, लखनऊ में है, ये आगे भी अपनी बात आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अमनियोसेंटेसिस के बारे में। देखो, चीजों को ना रटा मत करो, थोड़ा समझा करो। देखो, ये इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो है अमनियो और एक है सेंटेसिस। अमनियो वर्ड कहां से आया है, अमनियोटिक फ्लूड से। और सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊं, सेंटेसिस का मतलब होता है इंजेक्शन लगा के हमने निकाल लिया। हाँ, अब सिंपल सी बात है, कोई भी महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो इसमें करते क्या है, उसके पेट में, एक तरीके से उसके पेट में इंजेक्शन लगा के अमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, कि जो उसके पेट में बच्चा है, हम चेक करते हैं कि उसको बीमारी तो नहीं है ना। वो अमनियोटिक फ्लूइड जो हमने निकाला है, उसको हम एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि बच्चा, जो होने वाला बच्चा है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। बट क्या है, इसका गलत यूज होने लग गया। गलत यूज कैसे होने लग गया, कि जन्म से पहले ही अमनियोटिक फ्लूइड निकाल के वो बच्चे का सेक्स चेक कर लेते थे कि मेल है कि फीमेल है। अब फीमेल है तो अपने देश में आपको पता है फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण में इसका यूज होने लगा। तो इसीलिए क्या है, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए इसको क्या है, इंडिया में एक तरीके से बैन कर दिया गया, कि भाई इसका गलत यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है, एक तरीके से प्रेगनेंसी को अपने को रोकना है, अब प्रेगनेंसी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके नेचुरल भी हो सकते हैं और क्या है, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल में बात करें, अगर ये भी हटा देते हैं, अपना पूरा मैदान साफ आएगा, ठीक है। तो नेचुरल मेथड्स में बात करें, तो यहां पे तीन मेथड्स की बात की गई है, कौन से, पीरियोडिक अब्सटिनेंस, विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और क्या है, लैक्टेशनल अमिनोरिया। अब देखो, इन तीनों की मैं आपको साथ साथ ट्रिक बताऊंगा कि इनके नाम से इनको कैसे याद करें। देखो, फर्स्ट है अपना पीरियोडिक अब्सटिनेंस, इसमें क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है पीरियोडिक, मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कोइटस को अवॉइड करना है, कि अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 टू 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका रीजन सिंपल सा है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि 10 टू 17 डेज के बीच में क्या है, ओवुलेशन होती है। अब ओव्यूलेशन होगी तो ओवम बनेगा तो फर्टिलाइजेशन का खतरा है तो प्रेगनेंसी का खतरा है। तो इस दौरान प्रेगनेंसी का खतरा ज्यादा है, इसीलिए कोइटस को अवॉइड करना चाहिए इस पीरियड के दौरान। पीरियोडिक ट्रिक है, याद हो गया है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। देखो, विदड्रॉल मतलब विदड्रॉ कर लिया, कोइटस इंटरप्टस मतलब क्या है, कोइटस जो था उसको इंटरप्ट कर दिया गया। इस तरीके से इसको याद रखना, कि देखो पेनिस विदड्रॉल जस्ट बिफोर इजेकुलेशन है ना, कि जब इजेकुलेशन होने वाली थी उससे ठीक पहले क्या है, वजाइना से पेनिस को विदड्रॉ कर लिया जाता है। बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल अमिनोरिया। नाम से ही पढ़ रहा है, पता लग रहा है कि लैक्टेशनल, लैक्टेशन का लेना देना है। लैक्टेशन मतलब क्या है, देखो अगर किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लगभग छह महीने बाद तक क्या है, इंटेंस लैक्टेशन चलती है। मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, देखो बच्चे को जन्म दिया है तो उसको दूध पिलाएगी है ना, माँ उसको दूध पिलाएगी, तो वो जो 6 महीने होते हैं ना, जब इंटेंस लैक्टेशन चलती है तो उस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन अब्सेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अब्सेंट
होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अब्सेंट होगी तो ओवुलेशन भी अब्सेंट होगी, ओवुलेशन अब्सेंट होगी तो ओवम ही नहीं बनेगा, ओवम ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो क्या है, एक तरीके से अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। याद करो हमने क्या किए थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल हम कर चुके हैं, अब हम आए हैं आर्टिफिशियल पे। आर्टिफिशियल मेथड कौन से हो सकते हैं, बैरियर मेथड हो सकते हैं, केमिकल मेथड हो सकते हैं, IUDs इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस हो सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं, सर्जिकल मेथड्स हो सकते हैं, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स हो सकते हैं। तो बारी बारी से इनको हम अब करने वाले हैं। सबसे पहले है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है, बैरियर मतलब हमने मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के बीच में क्या बना दिया, बैरियर बना दिया। अब बैरियर बना दिया तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉन्डम्स है और क्या है, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स है। ठीक है, इनको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा ना। देखो हर चीज को एक तरीके से किया करो, तरीके से चीजें सबको पता है पर तरीके से किया करो। देखो कॉन्डम्स में क्या होता है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल के लिए भी हो सकती है, फीमेल के लिए भी हो सकती है। और किससे बनी होती है, थिन रबड़ या लेटेक्स शीट से बनी होती है। ठीक है, डिस्पोजेबल होती है कॉन्डम्स, है ना, सबको पता है कि एक बार यूज करके फेंक दिया, सेल्फ इंसर्टेड, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना था, खुद ही इनको हम सेल्फ, है ना, यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड प्राइवेसी तो ये प्रोवाइड करती हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ओनली फॉर फीमेल्स। अब यहां क्वेश्चन बन गया, देखो ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्वेश्चन अपना बन चुका है। कॉन्डम्स क्या है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, और ये ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल, ध्यान दो, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, किसकी बनी होती है, रबड़ की ही ये बनी होती है। दे आर यूजेबल, एक और बात, कॉन्डम्स क्या है, डिस्पोजेबल, मतलब एक बार यूज किया फेंक दिया, और ये क्या है, रीयूजेबल, रीयूजेबल, दोबारा यूज हो सकती है। सारी चीजें समझ में आ गई एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आईयूडीज के बारे में, आईयूडीज के बारे में यानी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे उस तरीके से बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वो वांट टू डिले प्रेगनेंसी, डायरेक्ट लाइन आती है नीट में और इसका आंसर क्या होता है, आईयूडी होता है, डायरेक्ट लाइन है। आइडियल वर्ड याद रखना है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, आईयूडी है, आई फॉर आइडियल, आई फॉर आईयूडी, आई फॉर आइडियल, आई फॉर आईयूडी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। देखो जहां पे वन ऑफ द मोस्ट आ गया वहां पे क्वेश्चन बनना इतना चांस नहीं है, खाली ये होता मोस्ट वाइडली तो क्वेश्चन बनने का चांस है, तो अपना आइडियल वाला एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो आईयूडीज अपने पास तीन टाइप की होंगी, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हॉर्मोन रिलीजिंग। अब देखो इनका है ना स्पेसिफिक जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना वो याद होना चाहिए, जैसे स्प्रेस द स्पर्म मोटिलिटी ये आ गया, अब तीनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ये आ गया, तीनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा था, तो स्पेसिफिक अपने को एनसीईआरटी का क्या है याद होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो इसकी ट्रिक है एनपीएल, टीवी में एड आती है ना वो कौन सी, वो गेमिंग लीग होती है, वो जो भी होती है, नहीं वो दूसरी है पर ये है एनपीएल, एनपीएल, मेरे साथ बोलो दो बार, एनपीएल, एनपीएल, एन से नॉन मेडिकेटेड, पी से क्या है फेगोसाइटोसिस, पी से है फेगोसाइटोसिस से याद आ जाएगा, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, है ना। अब स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होगा तो वो फर्टिलाइजेशन आगे करेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एल से क्या है लिप्स लूप, एनपीएल नॉन मेडिकेटेड, पी से फेगोसाइटोसिस और एल से लिप्स लूप, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो कॉपर की बात करते हैं। देखो हम सबको पता है कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है, कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है। तो मेटल और मोटिलिटी देखो आपस में रिलेटेड वर्ड है, मेटल एंड मोटिलिटी, मेटल एंड मोटिलिटी, तो कॉपर वाले के साथ क्या है मोटिलिटी वाला रिलेशन है, सिंपल सी बात है। कि स्प्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्प्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में कहा है वो स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम हो जाए तो आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आगे तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। ठीक है, और इसके एग्जांपल को कैसे याद करें, देखो सिंपल सी बात है, कॉपर टी एंड कॉपर सेवन, तो कॉपर से आगे कॉपर, कॉपर, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो कॉपर सेवन, कॉपर सेवन, अब सेवन वाले से सेवन को देखो, मल्टीलोड 375 आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, देखो सेवन से सेवन को मैच करा देना है, तो कॉपर सेवन अगर कॉपर में है तो सेवन वाला भी इसी में आएगा, मल्टीलोड 375, क्लियर है।
नेक्स्ट है हॉर्मोन रिलीजिंग। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी के रिलेटेड पढ़ रहे हैं सारी चीजें ना, कि प्रेगनेंसी को रोकना है तो प्रेगनेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉर्मोन, देखो हॉर्मोन से याद आ जाएगा क्या, कि प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। और प्रोजेस्टेरोन कहां एक्ट करता है, यूट्रस पे है ना, एंडोमेट्रियम पे, वहां उसकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन से क्या याद आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, मतलब जो यूट्रस जिसमें आ गया वो हार्मोन रिलीजिंग है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हार्मोन से अपने को क्या याद आएगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन से ही क्या याद आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन ये याद आ जाएगा। ठीक है, और एलएनजी को कैसे याद रखना, देखो एलएनजी की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये होती है लिवोनोरगेस्ट्रल। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन की थोड़ा सिमिलर सा वर्ड है, देखो आप सिमिलर वर्ड है प्रोजेस्टेरोन और लिवोनोरगेस्ट्रल है ना, दोनों सिमिलर है, तो एलएनजी 20 भी इसमें आ जाएगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, नॉन मेडिकेटेड की ट्रिक हमने की, एनपीएल नॉन मेडिकेटेड, एन फॉर नॉन मेडिकेटेड, पी फॉर फेगोसाइटोसिस, एल फॉर लिप स्लोप। कॉपर क्या होता है, मेटल, मेटल से रिलेटेड वर्ड क्या है, मोटिलिटी, तो स्प्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी, और कॉपर टी कॉपर सेवन इसी से हो गए, और सेवन से सेवन हमने यहां पे मैच करा दिया था। और हार्मोन रिलीजिंग वर्ड आते ही अपने को क्या याद आना चाहिए, कि हम ये जो भी पढ़ रहे हैं आईयूडी और ये पढ़ रहे हैं, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन होता है सबसे जरूरी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन से क्या याद आएगा, प्रोजेस्टेरोन कहां एक्ट करता है, यूट्रस पे ना, एंडोमेट्रियम पे, यूट्रस पे, तो यूट्रस वर्ड आते ही अपना सारा ताला खुल गया, कि मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन से ही याद आया था प्रोजेस्टेरोन, और रिजल्ट के रिलेटेड वर्ड कौन सा है, ये वाला एलएनजी वाला। ठीक है, सिंपल बातें हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओरल पिल्स। ठीक है, ओरल पिल्स में क्या होता है, खाली प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, खाली प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। सबको पता है पिल्स है तो टैबलेट्स की फॉर्म में यूज होती है ना, उसको पिल्स बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है, सबको पता है। अब ये करती क्या है, करती क्या है, देखो ओ फॉर ओरल पिल्स, ओ फॉर ओरल पिल्स, ओ फॉर ओव्यूलेशन, ये क्या करेगी, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, उसके साथ ही क्या है, इम्प्लांटेशन, उसके साथ ही इम्प्लांटेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। मतलब क्या है, सर्वाइकल म्यूकस की क्या है वो, एक तरीके से वहां पे क्या कर देगी, क्वालिटी को चेंज कर दे, क्यों, क्योंकि जो स्पर्म आना था फर्टिलाइजेशन के लिए, जो स्पर्म आना था उसकी क्या है, एंट्री को ही वो ब्लॉक कर देगी, कि भाई तेरी एंट्री नहीं होगी, तू बाहर रह, फर्टिलाइजेशन दूर की बात है, तेरी एंट्री नहीं होने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सहेली के बारे में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि सहेली क्या है, इसमें तीन ही क्वेश्चन मेन ये बनेंगे, कि वंस ए वीक पिल, वंस ए वीक पिल, नेक्स्ट क्या है, नॉन स्टीरोइडल है, सहेली क्या है, नॉन स्टीरोइडल पिल है, वंस ए वीक पिल है, नॉन स्टीरोइडल पिल है, और कहां बनाई गई थी ये, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे है, लखनऊ में बनाई। अब नेक्स्ट है अपने सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स में कौन से होंगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। देखो बिल्कुल नाम से कवर करेंगे, इसमें देखो टोमी जो वर्ड होता है ना, जो मेडिकल फील्ड में टोमी वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिमूवल, टोमी का मतलब है रिमूवल, और यह क्या है, ट्यूब, ट्यूब को रिमूव कर दिया गया, कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कहां होती है, अपनी फीमेल में होती है, और इसमें है वेसेक्टोमी, टोमी मतलब रिमूवल, वेस मतलब वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया गया है ना, और वास डिफरेंस कहां होती है, मेल में होती है, फीमेल में तो होंगी नहीं, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, तो ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब को रिमूव या टाइड अप कर दिया गया, और इसमें क्या है, वास डिफरेंस को रिमूव या टाइड अप कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने इम्प्लांट्स और इंजेक्शन, इसमें बिल्कुल जैसे पिल्स में पढ़ा था हमने, कि या तो प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। ठीक है, वही सिमिलर इनका एक्शन होता है, पिल्स की तरह एक्शन होता है, बट जो इनका पीरियड होता है ना, इफेक्टिव पीरियड, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, मान लो 6 महीने तक भी चल जाता है, अलग अलग इनकी वैरायटी होती है। ठीक है, और अंडर द स्किन यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो हाथ है तो हाथ के नीचे वो इम्प्लांट लगा देंगे और वो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता रहेगा। नेक्स्ट है MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो इसको मैं आपको हिंदी भाषा में समझाता हूं, देखो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है ना, चाहे वो गलती से हो गई है, चाहे उसका रेप हुआ है, ऐसा कुछ केस है ना, या फिर बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है, मतलब क्या है, सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही है कि उस फीमेल को वो बच्चा
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेडिकली, मेडिकल नाम से आ रहा है, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को निकाल देते हैं, सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना, किसको, प्रेगनेंसी को, कैसे, मेडिकली, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। हाँ, वही जो मैंने बोला अभी हिंदी में, वही इंग्लिश में लिखा, वॉलेंट्री मतलब हमने जानबूझ के, मतलब अपनी इच्छा से करवाया, ठीक है। लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971 अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, मतलब क्या है, इंडिया में क्या है, 1971 में इसको लीगलाइज्ड कर लिया गया था, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंतर्गत। क्यों स्ट्रिक्ट कंडीशन, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको यूज कहां किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई रेप का केस है ना, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो इस तरीके के केसेस में, ठीक है। और ये सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ होता है, मतलब पेट से बच्चे को निकालना। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी हो सकती है ना, माँ को, जो उसकी मदर है ना, उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है वीडी यानी वेनेरल डिजीज। इसमें नाम कौन से आएंगे अपने पास, गोनोर या सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, एचआईवी, क्लैमिडियाज, और क्या, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बातें कौन सी है, वो वाली कर देते हैं। देखो, इन सारी में से सबसे खतरनाक कौन सी है, सबको पता है एचआईवी यानी एड्स है, वो मोस्ट डेंजरस है, पहला क्वेश्चन हो गया, मोस्ट डेंजरस कौन सी है, एचआईवी है, सबको पता है ये बात, ठीक है। और क्या है, नॉन क्यूरेबल, मतलब इनमें से तीन ऐसी डिजीज हैं जो हो गई तो ठीक नहीं होंगी, वो नॉन क्यूरेबल हैं, वो जिंदगी भर चलेंगी। फिर कौन सी है, इसकी ट्रिक बताता हूं, इसकी ट्रिक है ट्रिपल एच, ट्रिपल एच, ट्रिपल एच यानी एच फॉर एचआईवी, एच फॉर हेपेटाइटिस बी, एच फॉर हर्पीस, ट्रिपल एच, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है ये सिंपल, वो ये थ्योरेटिकल लाइनें लिखी हुई हैं कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, इचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, इस तरीके से। बट अगर क्या है, लंबे समय तक चल जाए तो एसटीडी की वजह से क्या हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकता है, मतलब जो मान लो अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो एसटीडी की वजह से उसके बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। स्टिल बर्थ मतलब क्या है, डेड बेबी का वो बर्थ होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जहां पे बच्चा इम्प्लांट होना था ना, में वहां नहीं हुआ और उससे दूसरी जगह पे हो गया, ठीक है। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, इस तरीके की ये थ्योरेटिकल चीजें, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। नाम से ही सबको पता है कि इनफर्टिलिटी मतलब कोशिश करने पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब ये एक समस्या है, ये एक दिक्कत है। अब दिक्कत है तो इसको ठीक करना पड़ेगा, तो इसको ठीक करने के जो उपाय है उनको क्या बोलते हैं, ARTR आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड मतलब सहायता, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन, टेक्निक मतलब टेक्निक है ना, रिप्रोडक्शन में सहायता करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यह है, ये आर्ट जो है ये दो टाइप की हो सकती है, इन विट्रो एंड इन वीवो, ठीक है। इन विट्रो में क्या है, फर्टिलाइजेशन जो होगी वो क्या है, बॉडी के बाहर होगी, बॉडी किसकी, जाहिर सी बात है फीमेल बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। और यहां इन वीवो में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर होगी, ठीक है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं। देखो, इन विट्रो में अपने पास कौन से आएंगे, ZIFT, IUT, ICSI, और इन वीवो में आएंगे GIFT एंड AI। अब देखो, इनमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, जो इनका नाम है ना ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको बता देगा। देखो, ZIFT में क्या है, देखो ZIFT मतलब क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही कवर हो रहा है, मतलब क्या है, जाइगोट को इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर, मतलब क्या है, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है ना। और जाइगोट की स्टेज आपको याद रखनी है up to 8 blastomers, कि जाइगोट up to 8 blastomers इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, सिंपल सा है। IUT यानी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रीन मतलब यूट्रस, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। देखो, यहां पे जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया था, फेलोपियन ट्यूब में, और यहां जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया, नाम से पता लग रहा है कि यूट्रस के अंदर, कि जाइगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। बट यहां पे डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे क्या था, जाइगोट की स्टेज कौन सी थी, up to 8 blastomer, बट यहां पे क्या है, more than 8 blastomer, up to 8 blastomer ZIFT, more than 8 blastomer क्या आ जाएगा, अपना IUT आ जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो सिंपल सा है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, स्पर्म को हमने इंजेक्ट कर दिया। अब फर्टिलाइजेशन करानी है तो कहां इंजेक्ट करेंगे, किसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेंगे, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब ओवम का साइटोप्लाज्म, स्पर्म मतलब स्पर्म, इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कर दिया। तो स्पर्म को हमने डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया कहां पे, ओवम के साइटोप्लाज्म, मतलब ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करा दे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इन विवो वाले पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, गिफ्ट है, GIFT यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो अगर कोई फीमेल ओवम की प्रोडक्शन ना कर पाए तो वहां पे ये यूज होगा। बेसिकली होगा क्या, याद कैसे रखना है, देखो अगर कोई फीमेल ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेगी, किसी दूसरी हेल्दी फीमेल से ओवम को गिफ्ट में ले लेगी। ठीक है, ट्रिक क्या बताई मैंने, क्या है, दूसरी फीमेल से ओवम को गिफ्ट में ले लेगी। तो ओवम फ्रॉम डोनर ट्रांसफर्ड टू क्या है, फेलोपियन ट्यूब ऑफ अबनॉर्मल फीमेल। ठीक है, अब अबनॉर्मल फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में क्या आ गया, इसका ओवम हो गया, डोनर का आ गया। ठीक है, अब क्या है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अब लास्ट है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, मतलब इनसेमिनेशन कर दिया कैसे, आर्टिफिशियल। देखो इसको समझो, देखो अगर कोई मेल है हस्बैंड है और उसका स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं है, लायक नहीं है, तो क्या करेंगे, एक डोनर से, किसी डोनर से, हेल्दी डोनर से क्या करेंगे, स्पर्म ले लेंगे और क्या है उसको आर्टिफिशियली, है ना, एक तरीके से यही ले लो कि इंजेक्शन में भर के आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे कहां पे, जो भी उसकी, है ना, जो भी वाइफ है उसकी, जो मदर बनना चाहती है उसकी वजाइना और यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये तो एक, और दूसरा केस देखो, अगर कोई मेल है जिसका स्पर्म ठीक है ना, हस्बैंड है और उसका स्पर्म बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है, बट क्या है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से वो क्या है, फर्टिलाइजेशन एक तरीके से कोपुलेशन वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगे, हस्बैंड का क्या करेंगे, सीमन इकट्ठा कर लेंगे और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो उसकी वाइफ है उसकी वजाइना और यूट्रस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को बड़ी आसानी से खत्म किया। थैंक यू एंड धन्यवाद।